नमस्कार, प्राइम टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष भदौरिया। देश में अपराधों का जाल बढ़ता ही जा रहा है। हत्या, दबंगई, लूट, किडनैपिंग तो इतनी आम बात हो गई है मानो अपराधियों में पुलिस का भय ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगातार ऐसे हैरत अंगेज मामले सामने आते हैं जिन पर विश्वास करना बेहद ही कठिन होता जा रहा है। ऐसे में कुछ चुनिंदा हैरान करने वाले मामले को लेकर हम लेकर आते हैं आपका खास प्रोग्राम। इस शो का मकसद आपको जुल्म की दुनिया का खौफनाक अपराधों से मिलाना है जिसका सबक लेकर आप सावधानी बरत सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जब भी बच्चियों के खिलाफ हिंसा की खबर आती है तो हर तरफ यही सुनाई देता है कि घरों के अंदर रखो बेटियों को, वो वहीं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अगर घर के अंदर ही 3 बेटियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाए तो ये बात सुनने में जितनी डरावनी है, ये पूरी कहानी उससे ही कहीं ज्यादा दिल दहलाने वाली है। देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट। ये बात सच है कि न्याय की उम्मीद में लोगों के जूते तक घिस जाते हैं। ये सब सिर्फ सुना ही नहीं, देखा भी होगा। न्याय के लिए भटकते लोगों को ढूंढने के लिए ज्यादा दूर न चाहिए, अपने करीब ही देखिए किस तरह निर्भया को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया था और उसकी मौत के बाद भी न्याय के लिए कितने सालों तक पीड़ित परिवार भटक रहा था। लेकिन एक दिल दहला देने वाला मामला शाहजहांपुर से भी सामने आया है, जहाँ सामूहिक रूप से 3 बच्चियों के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मामला निगोही थाना क्षेत्र के जेवा मकरंदपुर का है, जहाँ रहने वाले अवधेश कुमार की 3 बेटियां थी जिनका नाम सुरभि, निशा और रोहिणी था। उनके घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार बेखौफ होकर सो रहा था। लेकिन उनको क्या पता था कि ये शाम उन सभी की जिंदगी की काली शाम होगी जो कभी भुलाई नहीं भूली जाएगी। 15 अक्टूबर 2002 की वो तारीख उनके लिए नासूर हो गई। पूरे परिवार समेत 3 बच्चियां घर पर सो रही थी। हर बच्चे की तरह उनके चेहरे पर भी मासूमियत और चंचलता झलक रही थी। तभी शांति को चीरते हुए एक गोली चली जिससे चारों तरफ चीख-पुकार मच गया। चीख पुकार मच गई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब तक कोई कुछ समझ या सोच पाता तब तक अवधेश के परिवार के साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अंधाधुंध फायरिंग में अवधेश तो वहां से भाग निकला लेकिन 3 बच्चियों को गोलियों से भून कर मौत के घाट उतार दिया गया और उसका हंसता खेलता परिवार एक झटके में बिखर गया। ये 3 बच्चियां महज 6, 7 और 8 साल की थी। आखिर क्या गुनाह होगा इन बच्चियों का जो इनको ऐसी सजा दी गई? इस मामले के बाद पूरे गांव में डर का माहौल छा गया लेकिन बच्चियों के पिता ने इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू करते हुए पहला कदम उठाया और पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। जांच में आरोपियों का नाम भी सामने आया। 3 बच्चियों को मारने वाले आरोपी भी 3 ही थे जो गांव में ही रहते थे। लेकिन तत्कालीन विवेचक होशियार सिंह ने आरोपियों को बचाते हुए अवधेश कुमार को ही बेटियों का हत्यारा बता दिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बच्चियों के पिता को ही इसका जिम्मेदार ठहराया गया। उस वक्त पिता का दिल बदले की आग से धधक रहा था जब पीड़ित पिता को ही 2 महीने जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन वो कहावत है ना, सच के आगे झूठ हमेशा झुकता है। आखिरकार आरोपियों के नाम सामने आ गए। गांव के ही छुटकुन्नू, नरेश और राजेंद्र, यही वो आरोपी हैं जिन्होंने पुरानी रंजिश में उन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अभी ये रास्ता इतना आसान नहीं था। इंसाफ की लड़ाई तो महज शुरू ही हुई थी। 2002 से शुरू हुई ये न्याय की लड़ाई आखिरकार 2021 में खत्म हुई जब 19 साल की लंबी लड़ाई में आखिरकार पिता को न्याय मिला। तारीख पे तारीख भले ही मिली हो लेकिन 3 बहनों के हत्यारों को सजाए मौत मिली। 19 साल चले कोर्ट के ट्रायल के बाद 2 आरोपी नरेश और राजेंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 3रे आरोपी की इन बीते सालों में मौत हो चुकी है। इसके अलावा कोर्ट ने जांच अधिकारी होशियार सिंह को पिता को फर्जी जेल भेजने के आरोप में दोषी पाया।
कोर्ट ने विवेचना अधिकारी होशियार सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बच्चों के पिता ने कोर्ट पर भरोसा जताया और पिता ने कहा कि कोर्ट के बदौलत ही उन्हें न्याय मिल पाया है। आगे पिता ने ये भी कहा कि उसे 2 महीने अपने बेटियों के हत्या के मामले में जेल भेजा गया। ऐसे में अब विवेचना अधिकारी को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी हमें सुकून मिलेगा। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा का कहना है, अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वाधव ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि छुटकुनू की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई। मैं श्रीपाल वर्मा, एडीसी क्रिमिनल। घटना जो है 15/10/2002 की है। बादी मुकदमा अवधेश कुमार निवासी ग्राम जेवा मुकुंदपुर थाना निगोई, उनकी 3 बेटियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो बादी ने 3 अभियुक्तों छुटकुन्नू नत्थूलाल बा नरवेश और राजेंद्र 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा कायम कराया था। पुलिस आईओ जो इंस्पेक्टर थे उसमें निगोई के होशियार सिंह, उन्होंने मुलजिमानों को निकाल दिया और बादी को ही मुलजिम बना दिया और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय भेज दी। न्यायालय में गवाह पेश हुए, मतलब जो लड़कियां 3 मरीज थी उनकी माँ पेश हुई और गवाह पेश हुए। उनके आधार पर न्यायालय ने जो मुलजिम नामजद किए गए थे उनको तलब कर लिया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ और साथ में बादी के खिलाफ भी ट्रायल शुरू हुआ। सारे गवाह जब पेश हुए तो साक्ष्य में आया कि जो मुलजिमान नामजद किए गए थे उनको न्यायालय ने दोषी माना और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसमें 1 अभियुक्त छुटकुन्नू और नत्थूलाल, इसके दौरान ट्रायल मृत्यु हो गई थी। 2 शेष बचे थे, राजेंद्र जेल में थे, नरवेश बाहर थे, दोनों को फांसी की सजा हुई। ये बात तो सच है कि कानून के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सच में इस मामले के सामने आने के बाद एक बात तो सच है कि अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले एक न एक दिन पुलिस के चुंगल में आ ही जाता है। पर इस मामले में जिस तरह से एक पिता को ही बच्चियों का झूठा आरोपी बनाकर जेल भेजा गया, उससे न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बढ़ते कार्यक्रम में अगली कहानी की तरफ रुख करते हैं। ये तो सबने सुना ही होगा कि इश्क और जंग में सब जायज है। बॉलीवुड के किंग खान का ये डायलॉग हमारी इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। तो क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है या सिर्फ ये एक भ्रम है? तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा वाक्या। FB पर प्यार हुआ बेशुमार, ऐसा प्यार जिसने बॉर्डर किया पार। बांग्लादेश से भारत पहुंची महिला, 1.5 साल बाद खुली पोल, जब खुद थाने पहुंची महिला। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये है ही ऐसी चीज जिसमें इंसान दरिया क्या पहाड़ भी पार कर ले। लेकिन प्यार का एक ऐसा जुनून कि किसी देश का बॉर्डर पार कर लो, ये तो वाकई प्यार की मिसाल कायम करने वाली बात हो गई। कहते हैं कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन इतना अंधा कि बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश ही पहुंच जाए, ये वाकई हैरानी की बात है। ये बात सुनने में शायद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन ये मामला मऊ से सामने आया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। किसी भी रिश्ते का पहला पड़ाव होता है दोस्ती। कुछ ऐसा ही इस रिश्ते में भी हुआ। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी भी हुई, लेकिन इसके बीच की कहानी जिसने सुनी वो दंग रह गया। बांग्लादेश की एक महिला जो हर दिन की तरह मैसेंजिंग ऐप यानी फेसबुक चला रही थी, तभी उसको अचानक एक अनजान लड़के की प्रोफाइल दिखती है और दोनों की बातें शुरू होती हैं। बातें करते करते दोनों में दोस्ती होती है, फिर क्या, बातों का सिलसिला बढ़ा और चैटिंग करते करते दोनों को प्यार हो गया। अब उनकी चैटिंग सिर्फ चैटिंग तक नहीं, कॉलिंग में बदल गई और बांग्लादेशी महिला को मऊ के कोपगंज थाने के यूसुफपुर डांडी के गुलशन राजभर से प्यार हो गया।
समय बीतने के साथ दोनों में प्यार बढ़ने लगा। बातों के साथ साथ अब दोनों में मिलने की भी इच्छा जगी। अब अगर प्यार है तो मुलाकातें भी जरूरी है, लेकिन सरहदों का फासला उनके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। लेकिन मिलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि सभी सीमाओं और सरहदों को पार करने का दोनों ने मन बना लिया और आखिरकार दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। मिलना मिलाना तो ठीक था, लेकिन इसके लिए जो रास्ता प्रेमी जोड़े ने चुना वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। प्यार में इस कदर पागल फरजाना खातून ने प्रेमी से मिलने का मास्टर प्लान बनाया। फरजाना खातून बन गई सोना राजभर। नई पहचान लेकर सोना राजभर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बांग्लादेश भारत बॉर्डर को पार करते हुए नदी के रास्ते कोलकाता पहुंची। इस दौरान बॉर्डर पर दो सेना के जवानों ने फरजाना खातून और सोना राजभर की जांच भी की थी, लेकिन दोनों सेना के जवानों ने फरजाना खातून उर्फ सोना राजभर को भारत जाने दिया। हर गैर कानूनी हथकंडा अपनाने के बाद प्यार की ये अनोखी कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक भी है। किसी अनजान की बात में आकर दूसरे देश चले आना अपने आप में बड़ी बेवकूफी साबित हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप किसी पर भरोसा ना करें। पहले पूरी जांच परख कर लें, गैर कानूनी हथकंडों से बचें। इसी के साथ चलिए चलते हैं अगली वारदात की तरफ। देश में आबादी बढ़ रही है और इस बढ़ती आबादी के साथ साथ जुर्म भी बढ़ता जा रहा है। देश का हर एक राज्य जुर्म की चादरों में लिपटा हुआ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी लिस्ट में उस राज्य का नाम सबसे ऊपर रहता है। वहीं यूपी राज्य कहीं ना कहीं जुर्म के मामले में सबसे टॉप 10 नंबर पर आता है। वहीं बलात्कार का भारत में एक आम जुर्म हो गया है। जैसे महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध हो गया है। लोगों की हैवानियत इतनी बढ़ती गई है कि अपराध करते समय अपराधियों को ना उम्र का लिहाज है और ना ही होश हवास रहता है। ऐसी ही एक हैवानियत बड़ी दास्तां सुनने में आई है, देखते हैं यूपी के राज्य ललितपुर से, देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी के ललितपुर से एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी का पहले रेप किया, फिर जिस्म फरोशी के दलदल में उसे धकेल दिया और रोजाना उसका सौदा करने लगा। बता दें कि ललितपुर जिले में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने ही पिता और सपा बसपा के नेताओं पर कई सालों से लगातार रेप करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसके बाद जिले में मानो भूचाल आ गया। इस मामले में सपा के जिलाध्यक्ष और पिता समेत कुल 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किशोरी के मुताबिक उसने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने बताया कि उसे डरा धमका कर पिता उससे ये सब काम करा रहा था। उसकी खामोशी का फायदा उठाकर उसके रिश्तेदारों ने भी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। कई सालों तक दर्द सहने के बाद किशोरी के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद उसने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ बलात्कार, षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने पुलिस में शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि जब वह 6ठी क्लास में पढ़ती थी तभी से उसके पिता उसका शारीरिक शोषण करते हैं। लड़की ने कहा कि सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव से भी उसके पिता ने बेरहमी से उसका बलात्कार करवाया। यही नहीं, तिलक यादव के 3 छोटे भाइयों ने भी उसका बलात्कार किया। नाबालिग छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वह क्लास 6 में पढ़ती थी तो एक दिन उसके पिता ने उसे शाम को बाहर टहलने के बहाने ले जाकर अपने मोबाइल में पॉर्न वीडियो दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो पिता ने उसे काफी डांटा। पीड़िता के मुताबिक अगले ही दिन पिता उसके लिए नए कपड़े लाए और उसको बाइक सिखाने के बहाने रात को खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और कहा कि अगर इस बारे में
घर पर किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, जिसके बाद पीड़िता ने खामोशी साध ली। मैं अपनी पूरी होश और आवाज में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही। किशोरी के मुताबिक उसके पिता ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि इस घटना के बाद उसके साथ लगातार रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। एक दिन पिता ने उसे स्कूल से लाकर गोलगप्पे में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दिया और एक स्टेशन के बगल में होटल राधा कृष्णा में ले जाकर एक महिला से मिलवाया, जिसके बाद महिला पीड़िता को एक रूम में ले गई जहां पर एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। कुछ देर बाद पीड़िता बेहोश हो गई। वहीं जब पीड़िता को होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो किसी तरह से उसके बाद घर पहुंची। उसने घर जाकर पिता से पूछा कि होटल में उसके साथ क्या हुआ, जिस पर आरोपी पिता ने कहा कि अब रोज तुम्हें यही काम करना होगा, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, जिसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आया और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना, तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे एक बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी दे रहा, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था, जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। रोजाना पिता उसे स्कूल से होटल ले जाता था और रोजाना एक नए ग्राहक के पास छोड़ दिया करता था, जिसके बाद किशोरी के साथ बलात्कार होता था। किशोरी के मुताबिक उसके ताऊ और 3 चाचाओं ने भी घर में जाकर उसके साथ बलात्कार किया। सपा जिलाध्यक्ष के अलावा पीड़िता ने बसपा जिलाध्यक्ष, एक इंजीनियर, पार्षद समेत अन्य सपा नेता और अपने रिश्तेदारों सहित 3 अज्ञात और 25 नामजद लोगों पर बलात्कार का केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अधिकारी भी इस गंभीर मामले को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच करने में जुट गए हैं। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांसेगई, नरेंद्र रावत। पिता की जान पहचान वाले लोगों के साथ ही सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, उसके भाई महेंद्र यादव, राजू यादव और अरविंद यादव से भी बलात्कार करवाया गया। इन सभी मामलों पर भी जांच हो रही है। वहीं केस दर्ज होने के बाद आरोपी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलक यादव ने अपने आप को पूरी तरह से बेगुनाह बताया है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीच चौराहे पर आत्महत्या कर लूंगा और इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष के अलावा उनके चचेरे भाइयों पर भी दरिंदगी करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही लड़की को बेचने के प्रयास का भी इन पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने में जाकर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में ललितपुर के एसपी
गिरजेश कुमार का कहना है कि मामला संवेदनशील है, इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई और धारा 161 के तहत उसका बयान भी दर्ज किया गया। मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है, और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा, और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए, और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। उसका बयान धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। बता दें कि ललितपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर लड़की के पिता सपा के जिलाध्यक्ष तिलक यादव, सपा के शहर अध्यक्ष राजेश जैन जोजिया, बसपा के जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ललितपुर गिरिजेश कुमार ने बताया कि 25 नामजद और 3 अज्ञात लोगों समेत 28 लोगों पर ये मामला दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल मामला जांच के घेरे में है और इस पर कार्यवाही जारी है, लेकिन इस कहानी और वारदात को देखने के बाद तो कहीं न कहीं एक सवाल कानों में गूंज रहा होगा कि क्या कोई बाप इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने ही खून के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दे। अरे माँ के बाद अगर बच्चे की रखवाली वाला कोई होता है तो वो एक पिता ही होता है। गौरतलब है कि एक बच्ची का रखवाला सबसे पहले उसका पिता ही होता है। जब से वो जन्म लेती है तब से उसके पिता ही उसकी रखवाली करते हैं, लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि एक पिता से ही बेटी को खतरा हो जाएगा। ऐसी वारदात से तो हरेक के मन में खौफ बैठ जाता है, और इस वारदात ने तो एक बाप बेटी के रिश्ते पर भी अब सवाल खड़ा कर दिया है। वाकई में ये मामला झकझोर देने वाला है। खून के रिश्ते ही जब अपराधी बन जाएं, तो लोग किस प्रकार से सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए हर मोड़ पे सावधान रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ दिलचस्प, दिल दहरा देने वाली घटनाओं के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।